तो फर्स्ट अपडेट है हमारी कार्मेला के बारे में, जिनका ड्रेस ऑफ हो गया था लड़ने के दौरान। असल में हुआ क्या था कि बियंका ब्लेयर के साथ उनका मैच चल रहा था स्मैकडाउन के ऊपर, और उनका ड्रेस यानी पीछे से ब्लाउज जो था वो ओपन हो गया, जिसकी वजह से फैंस ने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ, उस मोमेंट को WWE ने सेंसर कर दिया, बिकॉज उनकी रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी बचानी थी, पर वो रेसल कर गई मैच और फैंस तो कुछ और ही देखने में उनका बिजी रह गए थे। नेक्स्ट अपडेट है द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनको बीच में एज अ इनएक्टिव रेसलर WWE ने कर दिया था। ऐसा क्यों किया इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन रिटर्न्स के बारे में अपडेट्स आ चुकी हैं। देखो, रैंडी ऑर्टन हमको 2 अगस्त के रॉ में देखने को मिलने वाले हैं, ये WWE ने खुद अनाउंस कर दिया है, तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अब होने वाला है, तो चिंता की बात नहीं है। सैड न्यूज़ है नटालिया के बारे में। देखो, नटालिया काफी टाइम से सही तरीके से रेसल कर रही थी, जब वो अपना लास्ट टैग टीम मैच लड़ रही थी रॉ के ऊपर, तो उस टाइम पे उनको इंजरी हो गई एंड उनकी फ्रेंड टमीना और दूसरी जो पार्टनर थी उनको कैसे भी करके रिंग के अंदर ले गई। मतलब सीरियस इंजरीज WWE में होती चली जा रही है। अभी बेली, फिर नटालिया। वेल गाइज, सब्सक्राइब।